मलाइका ने चारों तरफ घेर लिया, सात सफेद गई फरिश्तों, आज कोई भाग नहीं सकता, आज किसी की सिफारिश उसकी इजाजत के बगैर चल नहीं सकती। आज सारे के सारे कुरान कहते हैं सभी
छोड़ा है ना कभी रजिस्टर भरा हो। मेरे काबिले इहतराम पर इस मंजर को याद करके उनकी जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लग गई, उनकी जिंदगी में तब्दीली कैसे। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला आप जख्मी हैं, जख्मी भी कहीं पर नहीं, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में भी कहीं पीछे नहीं, मुसल्ला रसूल पे। और कौन उमर जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हर आने वाला जो भी मुसलमान हुआ इस्लाम ने उसको इज्जत अदा की, लेकिन ये उमर वो है जिसके आने से इस्लाम को इज्जत मिली है। वो उमर जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरा ये उमर जिन रास्तों से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिस तरह आसमान पे अनगिनत सितारे हैं इसी तरह मेरे उमर की नेकियां भी अनगिनत हैं, जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैंने मेराज वाली रात आली शान महल देखा, मैंने सोचा मेरा महल है, मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने बताया ये तो आपके गुलाम उमर का महल है। इस शान वाला अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर के सीने से लगे हैं, पेट चाक है, दूध पीते हैं निकल जाता है, आप जख्मी हैं, अचानक कहने लगे अब्दुल्ला लग रहा है मेरे जिस्म से मेरी रूह का रिश्ता टूटने वाला है, मेरे जिस्म से मेरी रूह का रिश्ता टूटने वाला है। अब्बा हुजूर आपको कामयाब इंसान है, आपने तो सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगाई, क्या हुक्म है? फरमाया बेटा छोड़ इन बातों को, मुझे अपने सीने से हटा दे, मुझे लिटा दे, नीचे फर्श पे लिटा दे, अमीरुल मुमिनीन क्यों मेरे सीने में, क्या आपको तकलीफ हो रही है? फरमाया नहीं, उमर ने ऐसा क्या काम किया? उमर ने ऐसा कौन सा काम किया कि जो इतनी शान से जान दे? उमर ने ऐसा कौन सा काम किया जो इतनी शान से जान दे? जहां अमीरुल मोमिनीन का ये आलम, वो हमारा क्या होगा जिनकी सारी जिंदगी दुनिया के लिए लगी।